एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे दैट टुडेज़ ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। मैंने 11 सालों से जो रूटीन बना रखी है उसी को मैं फॉलो करती हूँ और उसी को मैं कंटिन्यू भी रखती हूँ। इसीलिए आज शायद मैं 122 से 75 पर आई हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम 4XL टू XL। तो एवरी डे मैं सुबह ही उठती हूँ और आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये कोई एक महीने या छः महीने का वेट लॉस जर्नी नहीं है, ये पूरे 11 सालों का है। कैसे किया, क्या क्या खाती थी, क्या परेशानियाँ आई, सब कुछ बताऊँगी। और एक ब्लॉग में बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितने भी इसके मैं पार्ट्स शेयर करूँगी तो आप उसको ज़रूर देखिएगा एंड फॉलो भी कीजिएगा, क्योंकि एक साथ अगर आपका वेट लॉस हो जाता है एक महीने में कई किलो, तो वो भी आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आस्ते आस्ते और इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आप खा पी कर भी, योगा करके, नॉर्मल लाइफ जी कर भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं एंड हेल्दी भी रह सकते हैं। तो आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं सुबह 5:45 के करीब मैं उठ जाती हूँ और अभी 5:10 हो रहे हैं, मैं अपनी घर की छत पर आ गई हूँ। और इधर यहाँ मैं एवरी डे ही पिछले 11 सालों से 7 योगा का जो प्राणायाम का जो पैकेज होता है वो मैं करती हूँ। एंड सूर्य नमस्कार मैंने काफ़ी सालों बाद स्टार्ट किया था, तकरीबन मुझे अभी शायद 1 साल ही हुआ है सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया मैंने। उससे मुझे जो बेनिफिट्स मिले गाइस, मैं उसको आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो इतना अच्छा है। अगर आप कंटिन्यू सूर्य नमस्कार करते हैं 7 times 11 times, कितना भी आप जितना कर सकते हैं, उससे सुपर मीन्स वेट लॉस होता है, ये मैंने खुद फील किया है। तो यहाँ कुछ मैं योगा के बाद कुछ आसन करती हूँ एंड फिर सूर्य नमस्कार करके और मैं अपने घर की छत पर ही मैं कुछ राउंड्स लगाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर कई सालों से मैं कभी भी नहीं जाती थी बाहर में मॉर्निंग वॉक या फिर जॉगिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं बाहर जाऊं, फिर मैं घर आऊं, फिर घर पे भी इतना काम रहता है। तो मुझे जब इतना फ़ायदा और इतना बेनिफिट्स मुझे योगा से ही मिला, तो फिर मैंने यही रूटीन मैंने कंटिन्यू में रखा है। तो बस यहाँ सुबह मैं योगा करके एंड वॉकिंग करके उसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ, एंड क्योंकि पूरी स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ एंड फिर घर पे पूजा करके उसके बाद मैं सबसे पहले चाय लेती हूँ। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि चाय इतनी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, बट क्या है कि स्टार्टिंग से इतनी आदत है कि छोड़ तो नहीं पाई हूँ, बट क्वांटिटी काफ़ी कम कर दी है मैंने, क्योंकि मैं कुछ साल पहले 4 से 5 कप एक दिन में मैं चाय पिया करती थी एंड ठंड में तो वो 6 कप भी हो जाया करती थी। तो वो मैंने काफ़ी कम कर दिया है, सुबह मैं 1 कप चाय लेती हूँ एंड शाम को 1/2 कप ऑफ टी मैं लेती हूँ। तो शाम को मैं कभी कभी, जैसे आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं चाय के बदले लेमन टी या फिर ग्रीन टी कभी मैं लेके पी लेती हूँ, बट सुबह मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, इतनी ज़्यादा हैबिट है क्योंकि बचपन से चाय पी है। तो वो एकदम से मैं छोड़ नहीं पाई हूँ, बट ट्राई मैंने बहुत किया है एंड क्वांटिटी भी काफ़ी कम कर दी है, क्योंकि कई ऐसी आदतें होती हैं जो बहुत समय के बाद जाके छूटती है, बट ट्राई मैं कर रही हूँ, मैंने क्वांटिटी कम तो कर दी है। तो बस ऐसा ही मैं कर लेती हूँ और छत पर ही 20 से 30 राउंड में लगा लेती हूँ। बाहर तो मैं जॉगिंग या वॉकिंग के लिए जाती नहीं हूँ और नीचे उतर के डायरेक्ट बस मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मीन्स मैं डायरेक्ट नहा लेती हूँ और फिर मैं पूजा करने के बाद अपना चाय बिस्किट ले लेती हूँ, 2 sugar-free biscuit एंड 1 cup of tea मैं ले लेती हूँ। और उसके 2 घंटे के बाद मैं ज़्यादातर मैं प्रिफ़र करती हूँ, मैं सत्तू पीती हूँ, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप सिर्फ सत्तू ही नहीं, जस्ट सैंडविच वगैरह भी आप सब कुछ खा सकते हैं, बट उसमें आप थोड़ा कार्ब्स एंड प्रोटीन वगैरह का ख्याल रखें। अगर आप खाएंगे तो आप सब कुछ खा सकते हैं, आप अपने मन में कभी भी वेट लॉस जर्नी या फिर आप अपने हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि जो दूसरा खा रहा है मैं उतना अच्छा नहीं खा पा रहा हूँ या नहीं खा पा रही हूँ। तो
अगर आप ये सोच लेंगे मन में कि बस यही मेरे लिए सही है, तो फिर आपके लिए सब कुछ ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, जैसे कि मेरे लिए हुआ। तो चलिए, अभी तो हो गया है योगा एंड एक्सरसाइज, सब कुछ हो गया। सुबह से बज रहे हैं, सुबह अभी 6:25 हो रहे हैं और जा रही हूँ अब नहाने के लिए। तो नहा के अभी घर में पूजा भी करनी है और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। नहा के यहाँ पूजा तो मैंने कर ली है एंड अभी सुबह के बज गए हैं, तकरीबन 7:15 हो रहे हैं और यहाँ चाय चढ़ा दी है। बाकी लोगों को भी चाय लगेगी, तो बस ये सब तो सोते ही रहते हैं इस टाइम, जिस टाइम पे मैं चाय लेकर बैठती हूँ एंड मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ तब भी ये लोग सोते ही हैं, क्योंकि रात में ज़्यादा देर से भी सोते हैं। और दोनों बच्चों में से किसी की पढ़ाई रहती है, किसी का एग्ज़ाम्स चल रहा है, किसी का ऑफिस है, तो थोड़ा लेट हो ही जाता है सोने में। तो बस यहाँ मैं, आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा कप भी फुल नहीं किया है, हाफ कप ही मैंने लिया है चाय और 2 बिस्किट। ये मैं तकरीबन 7:30, 7:30 या 8 बजे के अंदर मैं ये खा लेती हूँ। उसके भी 2 घंटे के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर चाहे मैं सत्तू पीऊँ या फिर मैं सैंडविच खाऊँ, कभी मैं पोहा बना लेती हूँ, कभी मैं उपमा बना लेती हूँ एंड कभी मेरा मन करता है तो मैं चीला भी बना लेती हूँ, बट सब कुछ बहुत ही लेस ऑयल में, एकदम 2 to 4 drops कुछ ऐसा मैं ब्रश कर लेती हूँ ऑयलिंग, क्योंकि नॉनस्टिक है तो उसमें दिक्कत नहीं आती है और बन भी जाता है आराम से। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इस तरीके की सैंडविच भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और बिल्कुल भी आपको डाइट फील नहीं होगा। तो ये घर में हरे धनिया की चटनी तो सभी के रहती है, मैं भी अक्सर फ्रिज में बनाकर रखती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 brown bread ले ली हैं और उस पर मैंने हरे धनिया की चटनी और वेजीज आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने खीरा, टमाटर, प्याज एंड शिमला मिर्च लगाया है और पनीर को आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसे पीसेज में पसंद है तो मैंने डाला है। थोड़ा सा सॉल्ट मैंने स्प्रिंकल किया है एंड रेड चिली फ्लेक्स एंड हरा धनिया, दैट्स इट। हल्का सा घी ब्रश करके बस इसको मैं तवे पर सेक लेती हूँ। आप सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं और सैंडविच मेकर में तो आपको घी या बटर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें तो ऐसे ही प्रेस करके आप बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से बना लीजिए और बहुत अच्छी एंड क्रिस्पी बनती है एंड इससे आपका मीन्स आपको बहुत काफ़ी समय तक भूख भी नहीं लगेगी, पेट भी भर जाता है इससे। थोड़ी हैवी भी होती है क्योंकि वेजीज भी होती है, पनीर भी होता है, तो और ये काफ़ी टेस्टी भी लगती है खाने में, तो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। और मैंने आज भी सत्तू पिया था तो यहाँ मैं अपने सत्तू की भी रेसिपी आपको दे रही हूँ। कई लोग प्याज मिर्ची वगैरह भी डाल के, मैं भी पहले डालती थी बट अब मैं नहीं डालती हूँ, इतना मुझे पसंद नहीं आता है। तो 1 glass से थोड़ा कम पानी मैंने लिया है एंड ये जिस चम्मच से मैंने सत्तू डाला है ये 70 gram सत्तू है, तो ये हमारे 3 चम्मच में 70 gram हो जाता है। जस्ट ब्लैक सॉल्ट और भुना हुआ जीरे का पाउडर और आधा मैंने लेमन डाला है, दैट्स इट। बस इसको पीने के बाद आपको आराम से 2 से 2.5 घंटे भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है और हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इससे डाइजेशन में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो ये कई सालों से कंटिन्यू मैं लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन और आगे भी मैं अपने लंच रूटीन, डिनर रूटीन एंड बाकी ऑल सब कुछ 11 साल में मैंने कैसे सब कुछ अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन किया है साइज़ 4XL to XL, तो मैं शेयर करती रहूँगी। और कैसा लगा आपको ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा एंड स्टे ट्यून्ड गाइज, आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।